हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कायनाज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर की बहुत ही चटपटी चटनी। इस चटनी को बनाने के लिए हम इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम टमाटर को अच्छे से धो लेंगे और उसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसे पीस लेंगे और पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे। और पेस्ट बनाकर इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम एक पैन ले लेंगे और उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। जब पैन अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। मस्टर्ड ऑयल हम 1 टेबल स्पून लेंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें लाल मिर्च, मगरेल और कद्दूकस की हुई अदरक डाल देंगे। जब ये ऑयल में हल्का सा फ्राई हो जाए तब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और इसे 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पर ढककर रख देंगे। पंद्रह मिनट हो जाने के बाद हम इसका ढक्कन खोल देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, सोट पाउडर, जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, नमक और काला नमक डाल देंगे। सबसे लास्ट में हम इसमें गुड़ डाल देंगे। अब हम इन सबको एक दूसरे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 20 मिनट बीत जाने के बाद हम ढक्कन को खोल देंगे। इसे एक बार हम फिर अच्छे से चला लेंगे। जब टमाटर का पानी अच्छे से जल जाए तब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब ये टमाटर की चटपटी चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम इसे टिक्की, पकौड़ी, समोसा और चाट के साथ खा सकते हैं। ये खाने में खट्टी, मीठी और चटपटी होती है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कायनाज किचन।